हेलो फ्रेंड, दिस इज अश्विन दुबे एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम डेटा अबाउट। मैं आज आप लोगों के सामने जो बताने जा रहा हूँ तो ध्यान सुनिएगा। यह है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं। तो ध्यान सुनिएगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो पहली जो अवस्था एरिक्सन ने दी थी वो है विश्वास बनाओ अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो 0 से 1 वर्ष शैशव अवस्था के काल में भी होती है। तो इसके अनुसार जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें बच्चे सबसे पहले सकारात्मक गुण लेकर आगे बढ़ता है। बच्चे को पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता होती है जिससे उसमें सकारात्मकता उत्पन्न होती है। इससे वह स्वयं और दूसरों पर आस्था या विश्वास करता है और स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है। यदि उसको ऐसा ना मिले, मतलब जैसा अभी बताया कि इसको बिल्कुल सकारात्मक चीज़ें ना मिले, उसके अकॉर्डिंग ना मिले, मतलब उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, वो चीज़ आप ना दो तो क्या होगा? उसको नेगेटिविटी आएगी, वो अपने आप सोचेगा अरे यार ये तो ऐसा वैसा ही है, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब जो हमारे ऊपर उसका ट्रस्ट बना है ना, वो बिगड़ने लगेगा जल्दी ही, कहना जे है। तो वो एक मिसट्रस्ट में बन जाएगा, अविश्वास और कहें तो हीनता की भावना और हमारे प्रति आशंका हो जाएगी उसको, ये कभी करेंगे नहीं करेंगे, अभी किया वा बाद में नहीं करेंगे, है ना, ऐसी भावना उसके मन में आ जाती है। धन्यवाद। सेकंड जो उन्होंने दी थी वो थी स्वायत्तता स्वतंत्रता बनाम शर्म लज्जा। 1 से 3 वर्ष की उम्र थी। इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहा जाता है, लेकिन इसमें शैशवावस्था का 1 से 2 साल वाला मिक्स है। तो इस अवस्था में बच्चे में स्वतंत्रता की भावना विकसित होती है, मतलब वो स्वतंत्र है, मतलब मन में रहता है थोड़ा, 2 साल के लगता है अपना काम खुद कर, मतलब चीज़ें देखें वो काम करें देखें, है ना। तो जो भी हम लोग मतलब माता पिता के नियंत्रण में रहे, मतलब माता पिता भी साथ में रहे और अपने काम भी हम बनाते रहे, ऐसा बच्चों का मानना होता है। तो बच्चे पर माता पिता नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्र रूप से बच्चे को अपने अनुसार कार्य देते हैं, मतलब बच्चा जो चाहता है उसके अनुसार कार्य दिया जाता है, लेकिन माता पिता के नियंत्रण में रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चे में लज्जा शक और शर्म उत्पन्न होने लगता है। वे खुद को आत्महीन की दृष्टि से देखते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे कि यार हम तो कुछ है ही नहीं, है ना, गलत आ जाता है उनके अंदर से, अपनी पर्सनैलिटी के प्रति उनके अंदर शक पैदा हो जाता है। अगला जो उन्होंने दिया वो है पहल बनाम अपराध बोध, 3 से 6 वर्ष, खेल अवस्था। इस अवस्था में बच्चा चलना बोलना दौड़ना खेलना, मतलब ये तो 2 वर्ष के बाद ही देखने को मिल जाता है कि जब वो चलने लगते हैं बच्चे बहुत ज़्यादातर, लेकिन इस वर्ष में इसमें बिल्कुल मतलब दौड़ने भी लगेगा, सब कुछ रहेगा, घर के बाहर जाकर साथियों के साथ खेलना, नई जिम्मेदारी के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। मतलब कोई भी आप अपने काम दोगे ना कि भाई ये कर लाओ, तो वो तुरंत मतलब मैंने गिलास दिया पानी लिया तो पानी अच्छे से बड़े धीरे धीरे लेके दे देंगे आपको। और अपने दोस्तों में खेलने की उनकी रुचि बढ़ती है, मतलब एक समूह की जरूरत पड़ती है उनको। यदि उन्हें ये सब करने का रोका गया, दंड दिया गया, भैया नहीं करो, नहीं तो बाहर नहीं आना है, तुम्हें यही करना है, नहीं होना, और बंदिश दी गई इस चीज़ों पे उनके जो वो करना चाहते हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, डर पैदा होगा, मतलब डरने लगेंगे और उनके अंदर एक अपराध भावना रहेगी, वो क्या है, छिपके निकल जाएंगे। और अगर अपन लोगों ने देख लिया तो वो चिड़चिड़ा जाएंगे, अरे यार क्या हो गया एकदम से, मतलब है ना। तो जब भी उनसे प्यार से कभी बात करो तो मतलब एकदम से गुस्सा हो जाए, उनमें जी भावनाएं पैदा होना शुरू हुई, मतलब हमें लगेगा हमारा बच्चा चिड़चिड़ा रहा है। अगला जो दिया था परिश्रम उद्यमिता बनाम हीनता, तो जे 6 से 12 वर्ष है, इसमें स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा व्यवहार करना सीखता है, स्कूल के कार्य करता है, औपचारिक शिक्षा बातचीत कौशल और परिश्रम की भावना विकसित होती है और माता पिता सभी से प्रेरित होता है। यदि बच्चा स्वयं की क्षमता पर संदेह करने लगता तो उसमें आत्महीनता की भावना विकसित होती है और व्यक्तित्व विकास में बाधक होता है। मतलब इसका कारण क्या है कि वो अब खुद ही स्कूल जा रहा है, सब कुछ देख रहा है उसे, और कुछ काम नहीं है, मतलब वो सब कुछ जो भी है अपना काम करना है, और अगर वो इस काम में अगर वो असफल होता है तो उसके अंदर क्या होती है, आत्महीनता की भावना विकसित, मतलब अपने आप को तुच्छ समझ लेता है, यार मैं तो कुछ हूँ नहीं, यार क्या कर पाऊंगा मैं। ये चीज़ें भी आ सकती हैं 6 से 12 वर्ष, मतलब इसमें बाल्यावस्था का बहुत बड़ा रोल है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, 12 से 20 वर्ष, किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चे समस्या समाधान करते हैं, उनमें कर्तव्य निष्ठा की भावना आती है, समाज के लिए अपनी विचारधारा और उसका मानक दृष्टिकोण बनाते हैं, शिष्टाचार क्षमता आती है। इस चीज़ को बोलते हैं पता, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वो जो पढ़ी थी हम लोगों ने, किसकी थी वो, अभी बताया गया था 0 to 3 year 3 to 10 years, 0 to ऐसा ईयर था वो, कौन सा था मैं अभी याद नहीं आ रहा, उसका भी इसी में है। अरे मुझे याद आ रहा था, मैं बताना वाला था आप लोगों को, आई माइंड से मेरे स्लिप हुआ है, सॉरी फॉर इट। तो इसमें आप लोग कह सकते हो, मतलब इसमें मतलब वो नैतिकता वाली बात आ जाती है बच्चों में, है ना। हाँ वो नैतिकता वाली कोहल वर्ग के वाली बात कर रहा था मैं, उसमें नैतिकता वाली बात आ जाती है, कैसी कि भाई अब तो हम कर्तव्यनिष्ठ हो गए, हमें करना है ना, ये 10 से
ऊपर वर्ष की बात होती है, 12 से है ना 13 है, तो उसमें वो चीज़ें भी देखने को मिलती हुई है। मतलब क्या था, उत्तर परंपरागत अवस्था को देखने को मिलता है। अब आता है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अपनी पहचान नहीं बना पाते, उनको लगता है हमें कोई जानते नहीं। मतलब भीड़ में ऐसे है ना, तो एक लड़का रहता है लीडर टाइप का रहता है, सब लोग उसे बोलते नहीं यार ये अच्छा कर रहा है, तो उसको आगे आगे बढ़ावा मिलता है। सब लोग होते हैं, टीम बनती है, लेकिन टीम में कुछ बच्चे ऐसे तब्बू टाइप के होते हैं, वैसा बन जाता है वो। अब आता है आत्मीयता बनाम अलगाव, 20 से 30 वर्ष तरुण वयस्कता, जिसमें आजकल हम हैं, सही कह तो मैं खुद ही उसमें हूँ। इस अवस्था में जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने लगा सकते हैं, समाज के सदस्यों को से घनिष्ठता एवं स्वयं के साथ में घनिष्ठता करने लगते हैं। जैसे हम लोग ऐसे हैं ना, हम लोग अपने आसपास लोगों से बात भी करते हैं, मतलब जहाँ बात करने आती है तो अपने खुद के लिए कमाने की एक अंदर आती भावना, भाई खुद कमाना है करना है। और लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति खुद में खोए रहता है, मतलब अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो अपने आप में रहता है, वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है। मतलब उसे ऐसा करना है भाई कि वो नियंत्रण जो कर पाए, कि वो शांत रहे, है ना। और सही तो ना, किसी भी अगले बंदे से वो ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करता है, और कई मनोविकारी संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे हम लोग काम करते हैं तो उसमें ठीक है सबसे बात कर लेते हैं, अब प्रॉपर काम नहीं है तो क्या होता है, अपने यार अपना काम करना है ना। अब मनोविकारी संबंध स्थापित होते नहीं होते वो तो आगे की बात है। उत्पादकता बनाम स्थिरता, 30 से 65 वर्ष मध्य वयस्कता, इस अवस्था में व्यक्ति भावी पीढ़ी के कल्याण की सोचता है, मतलब उसे अपने आने वाले भविष्य की चिंता होने लगती है, और समाज को उन्नत बनाना चाहता है। उसे लगता है कि भाई जो हमारे नीचे आए ना, जो हमारी जनरेशन आ गई है उसके लिए हम कुछ कर पाए, है ना, तो उसके लिए वो सोचता है। और ऐसा कर पाते हैं तो सबल और सजग हो जाते हैं, मतलब उनका अगर ऐसा कर लिया हमने कि भाई हम काम कर पाए अपनी समाज, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर अपने समाज के लिए वो कोई काम कर पाते हैं, तो अपने आप को वह सबल और क्या मानते हैं, हमने कुछ कर दिया है, कुछ करके दिखाया, हमने यूनिक करके दिखाया। यदि ऐसे नहीं हो पाता तो उसमें स्थिरता आ जाती है, वह आगे नहीं बढ़ पाता, संघर्ष करने लगता है, मनोसामाजिक शक्ति नष्ट हो जाती है, समझे। मतलब जो भी सब अच्छा चल रहा था वो सब बिगड़ जाएगा। संपूर्णता बनाम निराशा, 65 वर्ष से मृत्यु तक, मतलब ये तो मतलब बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है। यदि स्वास्थ्य समाज, यदि स्वस्थ समाज का समायोजन अच्छा हुआ तो संपूर्णता का आभास होगा, मतलब समझे ना। और जो अपने आसपास जो समाज है वो स्वस्थ है, हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा है, तो हमें लगेगा भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो निराशा उत्पन्न होती है, सोच में नकारात्मकता, मतलब इस समय क्या होता ना, जैसे वो आती ना वो दृष्टि दोष आ जाते हैं कईयों, उनमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आती है, तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसमें लोग अगर सही चल रहे हैं, मतलब सब कुछ अच्छे से लग गया आसपास, सब उनके बच्चे अच्छे सेटल हैं, उनकी आसपास के लोग अच्छे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन वहीं ऐसा ना हो तो उनको लगता क्या लगता है उनको, अरे यार अपन ने ढंग का काम नहीं किया लाइफ में, यार क्या हुआ, और हम जा रहे हैं मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई ढंग का काम कर नहीं पाए, तो ये भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है। धन्यवाद।